नमस्कार, मैं अमित कुमार मंदोदरी आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कला लाइव में। और आज की वीडियो में हम कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि रेलवे ट्रैक में हमने देखा होगा काफ़ी सारे पत्थर बिछाए हुए होते हैं, इसका कारण क्या है। और आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक रेगुलर बेसिस में आते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे देश का प्रमुख परिवहन संगठन, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक प्रबंधन के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आपने भी कभी रेल या ट्रेन का सफर किया होगा और शायद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि रेलवे ट्रैक पर ये नुकीले कंक्रीट के पत्थर क्यों होते हैं। अगर हाँ, तो आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब से ट्रेन तभी से बिछाए जा रहे हैं ये खास पत्थर। ऐसा बताया जाता है कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तभी से इसकी पटरी पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटरी में गिट्टी बिछाने के पीछे कई कारण हैं। रेलवे ट्रैक पर स्लीपर्स का इस्तेमाल। रेलवे ट्रैक दिखने में जितना साधारण लगता है असल में उतना साधारण नहीं है। इसे कई परतों में बनाया जाता है जिसमें पत्थर भी शामिल है। उसके साथ साथ दरअसल रेलवे ट्रैक में आपने छोटे छोटे पट्टियां देखी होगी जिन पर लोहे का ट्रैक टिका होता है, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। इन स्लीपर्स का काम पटरियों पर पड़ने वाले बल को संभालने रखना और वजन को व्यवस्थित रखना है। इसके अलावा इसके आसपास नुकीले पत्थरों को डाला जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर डालने का पहला कारण है, जब ट्रेन तेज गति से ट्रैक पर चलती है तो ऐसे में ये नुकीले पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिससे ट्रेन का बैलेंस बना रहता है। पहले ट्रैक ने नीचे की पट्टी यानी स्लीपर्स लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन बाद में मौसम और बारिश की वजह से ये गल जाती थी और इससे रेल हादसा होने का खतरा बना रहता था। ट्रैक के पत्थर कंक्रीट की स्लीपर्स को मजबूत लंबे समय तक टिकने में मदद करते हैं और पत्थरों से जकड़ कर रखते हैं। दूसरा कारण है, जब ट्रेन रेलवे गुजरती है तो काफी शोर और तेज कंपन होता है। ट्रैक के पत्थर इसे शोर को कम करते हैं और कंपन के समय ट्रेन के नीचे की पट्टी यानी स्लीपर्स को फैलने से रोकते हैं। और तीसरा कारण है, रेलवे ट्रैक पर पेड़ पौधे को उगने से रोकने के लिए भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रेन के ट्रैक पर पेड़ पौधे उगने से ट्रेन की स्पीड में कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। रेलवे ट्रैक के पत्थरों को बैलेंस कैसे बनते हैं? दरअसल रेलवे ट्रैक पर बिखरे पड़े पत्थर, गिट्टी या जिन्हें ट्रैक बैलेंस भी कहते हैं, ये पीछे दो कारण हैं। पहला, ट्रेन का बैलेंस बनाने के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप रॉक, क्वार्टजाइज, डोलोमाइट या चूना पत्थर के नेचुरल डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे ट्रैक में कितनी लेयर होती है? रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जमीन समेत 5 लेयर होती है। सबसे ऊपर कंक्रीट की पट्टी जिन्हें स्लीपर्स भी कहते हैं, उससे नीचे ट्रैक बैलेंस या पत्थर, तीसरे नंबर पर सब बैलेंस और चौथे नंबर पर सब ग्रेड की खास लेयर होती है, इसके नीचे जमीन होती है। नुकीले क्यों होते हैं रेलवे ट्रैक के पत्थर? अगर पत्थर चिकने, गोल, कंकड़ जैसे नदी के तल पर पड़े पत्थर की तरह होंगे तो ये रेल की कम स्पीड में भी लुढ़क कर ट्रैक से दूसरे ओर चले जाएंगे। इसलिए ट्रैक की गिट्टी के लिए रेलवे ट्रैक पर नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे ट्रैक के पत्थर कैसे बनते हैं? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ट्रैक गिट्टी बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं है। इन खास तरह के पत्थर बनाने के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप रॉक, क्वार्टजाइज, डोलोमाइट का, चूना पत्थर के नेचुरल डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि रेलवे ट्रैक पर ये नुकीले पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी अपने ग्रुप लिंक में शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि मेरे सारे वीडियो के रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।